गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और कैसी सुबह हुई आप सबकी? चलो शुरुआत करते हैं अपनी अच्छी सुबह की। पानी पीते हैं पहले गरम, उसके बाद में अपनी दिनचर्या के सारे काम शुरुआत करते हैं। सेवियों के लिए दूध रख दिया है, अभी इसमें दूध में उबाल आ गया तो इसमें ये सेवियां डाल देंगे। इसको हिला देंगे नहीं तो इसमें गांठे बन जाएंगी। और इसको थोड़ी देर ऐसे ही 5 मिनट उबालेंगे, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे और स्टीम कितने निकल रही है, दूध उबल गया है ना। ये देखो कोई कोई गांठ बन गया, इनको गांठों को तोड़ते हैं। ये इसको बीच बीच में हिलाते जाना है सेवियों को ना। अभी थोड़ी सी और 1-2 मिनट रखेंगे, उसके बाद में ना इसमें ड्राई फ्रूट और चीनी डाल देंगे। ये चीनी डाल देंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालेंगे। हिला देंगे इसको, और 1-2 मिनट चीनी को थोड़ा पकाएंगे, उसके बाद में इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। वो आपकी मर्जी है, आप डालना चाहते हो कि नहीं डालना चाहते हो। ये देखो ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है, इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे नहीं तो ये बिल्कुल ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए इसमें। और 1-2 मिनट ड्राई फ्रूट्स करके छोटी इलायची डालेंगे और बंद कर देंगे। ये देखो इसमें उबाला आ गया, 1 मिनट और बस करके ना, क्योंकि ज्यादा अभी इसको थोड़ी देर बंद करके रखेंगे तो देखना एकदम गाढ़ी हो जाएगी। ये फ्रेंड्स तो बहुत गाढ़ी हो जाती है, वो भी नहीं अच्छी लगती। फिर हिलाना है नहीं तो नीचे लग जाएगी और फिर वो टेस्ट जली का आता है तो वो नहीं अच्छी लगती, बच्चे नहीं खाते, इसलिए इसको हिलाते रहना है। हिलाते इसको थोड़ी देर में। ये देखो फ्रेंड्स ये अब लगभग रेडी है। छोटी इलायची डाल दी, इसको ना अब ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी, और ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। सेवियां रेडी हैं, सेवियां रेडी हैं, आ जाओ अब नाश्ता कर लो सारे। आप भी बना के देखना आपको कैसी लगती है। फ्रेंड्स सेवियां रेडी हो गई हैं और अब हम बनाते हैं आज ना मलाई का मक्खन निकालते हैं। मैंने ना मलाई को फ्रीजर में रखती हूँ ताकि वो खराब ना हो, और अब उसको निकाल के रात को रख दिया था मैंने उसको रात को निकाल के, और अब मैं उसमें से मक्खन निकालते हैं। चलो ब्लेंडर से ये देखो फ्रेंड्स ये दाने बनने लग गए, दिख रहे हैं दाने आपको? ये देखो अलग हो जाएगा इसको, अभी हम थोड़ी देर और करेंगे 1-2 मिनट दूध अलग और मक्खन अलग। ये देखो मक्खन निकल गया, दूध अलग है। अब इस दूध से या तो पनीर बनाएंगे या दही जमाएंगे, क्योंकि एकदम ताजा है ये, 2-3 दिन की मलाई है। ये देखो फ्रेंड्स मैंने ना छोटी छोटी बच्चों के लिए टिक्कियां बना के फ्रिज में रख देती हूँ,
और ये नाश्ते में ये ब्रेड के साथ सेमिया बन गई, नाश्ता हो गया और बटर मैंने निकाल लिया। और अब इसके बाद में करते हैं अपने बालों को कलर। ये वाइट वाइट बाल निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, हल्का हल्का सा टच करना है। और उसके बाद में मैं अपनी गार्डनिंग में थोड़ा सा गार्डनिंग का काम करूंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। कलर मैंने लगा लिया है फ्रेंड्स। और ये मेरा ना क्या कहते हैं इंडस वैली का लगाती हूँ, बाकी तो मुझे कोई सूट नहीं करता। क्या कहते हैं ठीक लग गया, थोड़ा थोड़ा टचअप से करना था। और डार्क ब्राउन है, मेरे को वैसे लाइट ब्राउन लेना चाहिए। फ्रेंड्स आ जाओ डोसा खाओ। ये देखो हमारी फ्रेंड ने डोसा बनाया है, बहुत ही टेस्टी है। मार्केट इसके आगे फेल है, वो तो पता नहीं क्या क्या मिक्स करते हैं, चटनी सांबर ऑसम सब बहुत टेस्टी है। मैडम आओ जी, इन्होंने बनाया है। ये देखो हमारे शेफ जिन्होंने डोसा बनाया, मैम बहुत अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, मजा आ गया। मसाला डोसा भी और प्लेन डोसा भी है ना। आ जाओ भाई, जिसको खाना है आ जाओ। अगीता मैम आप भी खड़ो, ये मेरी फ्रेंड, ये इनकी फ्रेंड और अब हम तीनों फ्रेंड की फ्रेंड, मजा आ गया अभी आज। मैं आ पहुंची हूँ अपनी फ्रेंड के घर और हमारी पारी हो रही है। ये देखो पारी हो रही है, कॉफी पी रहे हैं। आज अगर आप लोगों ने भी कॉफी पीनी है, ये देखो मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हुई हूँ। ये मेरी बेटी, ये देखो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। ये देखो हमने भी डोसा भी खाया था, आपको दिखाया था, हमने भी डोसा खाया था, बहुत अच्छा था। पार्टी हो रही है, पारी हो रही है, हमारी फ्रेंड ने बनाया था, बहुत अच्छा था। जिसने भी कॉफी पीनी है वो आ जाओ, है ना। और मैंने देखो ये सूट पहना हुआ है आज अपनी फ्रेंड के यहाँ, दिख रहा है पूरा, ये प्लाजो और ये सूट दिख रहा है पूरा। बता क्या बात मिलती है, अभी तो मैंने रात को बाय करूंगी ना, अभी मैं कैसे बाय करूँ, बाद में मिलूंगी आपको। हम मिलते हैं शाम मार्केट में, मार्केट जाएंगे आपको मार्केट में मिलेंगे। ये हम मार्केट में ना चाय पियेंगे, मार्केट अभी पक्का नहीं है, पर जाएंगे तो हम पान वाली चाय पियेंगे, जाएंगे तो आपको भी लेके चलेंगे, हम चाय पियेंगे। ओके बाय। हम आ चुके हैं सेक्टर 15 में, हम यहाँ शॉपिंग करने आया, देखो क्या लेंगे। वैसे तो खाने पीने आया, बच्चों को घुमाने, देखते हैं। कार्तिक कार्तिक 15 ये कौन सा है, KFC है। कहाँ दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ, ये KFC है, ये KFC मिलता है आपको बाद में, बाय बाय फ्रेंड्स। ये मैं वहाँ पर मार्केट में पार्लर था, मैं वहाँ गई और वहाँ से मैंने ये अपना हेयर कट करवाया यू शेप में, और ये काफ़ी बाल मेरे रफ हो चुके थे। तो ये मैं इस वॉइस ओवर दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर शोर बहुत था। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरा हेयर कट कैसे लगा। फ्रेंड्स ये मेरे हेयर कट का फाइनल लुक है, देखो कैसा लग रहा है। मैंने एक ये लिया और एक मैं वीडियो बनाती हूँ ना, ये किस चीज़ का, एक ये बना, एक ये लिया है ना, ये दोनों बेटियों से मैं आ गई हूँ अब। और क्या कहते हैं काफी थक गए हैं अब सब्जी मैं बना के गई थी, अब तो नहीं मैं बनाऊंगी, छोलिया बनाया था पर मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर पाई। फ्रेंड्स मार्केट से मैं आ चुकी हूँ, मैं उससे पहले अपनी फ्रेंड के घर गई थी, वहाँ उनके नेबर हैं, उनकी फ्रेंड है, उन्होंने डोसा बनाया था तो उन्होंने इनवाइट किया था हमें, तो मैं वहाँ गई थी। और जाने से पहले ना मैं सब्जी बना के गई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखो ये सब्जी रेडी है, बस अब फुलके बनाने हैं। ये लिए ये देखो ये वूलन क्रॉप टॉप टाइप का, ये मार्केट से साफ नहीं वहाँ पे बन पा रही थी, वहाँ बहुत शोर था ना, तो मैं आपको अच्छी तरह दिखा रही हूँ। ये दोनों से इस साइड बैक साइड प्लेन है, यहाँ पर डिजाइन है ये, और एक ये लिया है
हाई नेक गला है इसका, है ना। छोटी बेटी ने ट्राई किया था, एक ये छोटी बेटी का इन्होंने ट्राई किया था, बेटी ने बहुत अच्छा लगा ये इसके ऊपर ना, ये सी स्लीव्स बहुत प्यारी हैं ये ना, यहाँ पे ये चुन्नट डली हुई है, बहुत ही प्यारी हाई नेक गला, अच्छा इस मौसम में पहनने के लिए, और रीजनेबल रेट में था फ्रेंड्स, सेल लगी हुई है। जो चीज आपको 2000 की मिल रही है वो आजकल आपको 1100 रुपए में, 1000 रुपए में, 800 रुपए में ऐसे मिल रही है। ये दोनों आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, ये मेरे को जरूर बताना, है ना। फ्रेंड्स ये मेरे हेयर कट का फाइनल लुक है, ये मैंने हेयर कट कराया, डीप कट करवाया, और वो बोल रहे थे कि ज्यादा डीप अगर यू शेप दोगे तो बाल ज्यादा कटेंगे, तो मुझे ज्यादा नहीं करने थे, और ये मेरे को फाइनल मेरा ये लुक देखिए। आप बताना मेरे ऊपर किस तरह अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यू शेप में ये बाल मैंने कटवाए हैं, आप लोग मुझे जरूर बताना। और अब मैं आपसे कल फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कल मिलती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना। प्लीज और मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज उसको इग्नोर करना है, और मुझे जरूर कमेंट करके बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा। प्लीज लाइक करना अपने व्यूज, प्लीज प्लीज, बाय बाय। अब मैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ।